स्वागत है दोस्तों आज के इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये वाला पढ़ रहे थे, तो इस वाले पार्ट में जो हम लोग का जो सेकंड पार्ट ये वाला होने जा रहा है, इस वाले पार्ट में हम लोग हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन ये जानने वाले हैं। केमिकल इक्वेशन लिखना हम लोग सीख लिए थे पिछले वाला पार्ट में, और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कि उसको बैलेंस्ड कैसे करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस पार्ट को। तो सबसे पहले एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, यहाँ पे केमिकल इक्वेशन हो जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर ऑन पेपर लिखा हुआ है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ, तो उसको हम लोग केमिकल इक्वेशन कहेंगे। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो बैलेंस्ड हो। अगर बैलेंस्ड नहीं है तो उसको हम लोग इस वीडियो में बैलेंस्ड करना सीखेंगे। तो ये कैसे पता करें कि कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है, तो सिंपल सा इसमें तरीका है। आप ये जो देख सकते हैं तीर का निशान जो है, इसके जो लेफ्ट साइड में होता है ये होता है रिएक्टेंट, ठीक है, ये होता है रिएक्टेंट। और ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं तीर के निशान के राइट हैंड साइड में, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट। ओके, तो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम्स जो भी एलिमेंट के हैं वो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो अनबैलेंस्ड है, अगर है तो बैलेंस्ड है, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड रहेगा तो उसको हम लोग बैलेंस्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे काउंट करते हैं, तो यहाँ पे आयरन नंबर ऑफ एटम कितना है 1, यहाँ पे आयरन का नंबर ऑफ एटम हो गया 3। यहीं पे पता चल गया कि ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। आगे हम लोग को इसमें देखने की जरूरत नहीं, आगे भी देखेंगे तो यहाँ पे बैलेंस नहीं भी दिखेगा। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, अनबैलेंस्ड। ओके, तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो बैलेंस करने का मैं तरीका यहां बताता हूं कि कैसे ये बैलेंस होगा। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि बुक में बताया गया है कि सबसे पहले हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को हम लोग बैलेंस्ड करेंगे और उसके बाद ये इक्वेशन ऑटोमेटिक बैलेंस्ड हो जाता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे तरीका दूसरा अपनाने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो शुरुआत में जो भी चीज है उसको, जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इससे आप करोगे तो आप बहुत ही जल्दी बैलेंस्ड कर लोगे। तो सबसे पहले कोई भी इक्वेशन लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता है कि ये अनबैलेंस्ड है, तो सबसे पहले जो हमें सबसे पहला जो एलिमेंट दिख रहा है, इक्वेशन पढ़ोगे तो सबसे पहले क्या मिल रहा है, Fe मिल रहा है, मतलब कि आयरन है। आयरन प्लस वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड, आयरन थर्ड ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। ओके, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे आयरन का नंबर क्या है, 1 है, यहाँ पे आयरन के नंबर क्या है 3 है, ठीक है। तो 3 है ना, तो यहाँ पे इसको 3 कर देंगे तो ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ एटम को बैलेंस करना है, लेकिन आयरन के आगे 3 तो लगाएंगे नहीं ना, यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एटम बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इसको हम बढ़ाते हैं। पीछे में जो है किसी भी एलिमेंट है उसका हमेशा पीछे में नंबर को हम लोग बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते कहीं पे भी, हमेशा बढ़ाना ही है, ठीक है। जो भी है उसको हम लोग बढ़ा सकते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, उसके तरीके से हम लोग इसको बढ़ाते हैं। तो 3 हम लोग यहाँ पे लिख दिए, तो 3Fe हो गया, और यहाँ पे देखिए 3Fe है, दोनों बैलेंस। यहाँ नंबर ऑफ एटम Fe3O4 है, ये पूरा एक मॉलिक्यूल हो गया Fe3O4 पूरा मॉलिक्यूल, जिसमें 3 नंबर ऑफ एटम है आयरन का और 4 नंबर ऑफ एटम है ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे हमको 3 चाहिए ना यहाँ पे, तो उसके लिए 3 यहाँ पे हम लोग आयरन के एटम को डाल दिए। अब आयरन का जो एटम होता है वो सिंगल सिंगल स्टेट में रहेगा, Fe के फॉर्म पे रहेगा, Fe मतलब कि सिंगल, तो यहाँ पे 3 डाल दिए, तो 3Fe हो गया, यहाँ पे भी 3 बैलेंस्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन का नंबर कितना है 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन नंबर कितना है 2 है, और कहीं तो हाइड्रोजन है नहीं, बैलेंस्ड है, छोड़ दीजिए उसको। ऑक्सीजन पे आइए, ऑक्सीजन कितना 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 4 है, ठीक है। अभी मैंने बताया हमेशा बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितना 4 है, यहाँ पे 4 हमको चाहिए यहाँ पे, तभी तो ये बैलेंस होगा, तो 4 बढ़ाते, यहाँ पे हम तो सिंपली 4 लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, 4 लिख दिए। ओके, तो अब देखिए क्या हुआ, फिर से एक बार पढ़ते हैं। Fe का नंबर 3 है, यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, तो 3 बराबर, ठीक है। हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीजन को हमने बढ़ा के 4 किया था, और यहाँ पे 4, ये भी बैलेंस, मतलब कि आयरन भी बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस। अब बात आता है हाइड्रोजन का, यहाँ पे 4 लिखने के कारण, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के कारण, अब यहाँ हाइड्रोजन का नंबर कितना हो जाता है, नंबर ऑफ एटम कितना हो जाता है हाइड्रोजन के, तो 4 × 2 मतलब 4×2 = 8 नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम है यहाँ पे, ठीक है, रिएक्टेंट में। लेकिन प्रोडक्ट में तो सिर्फ 2 आ रहा है, तो यहाँ पे हमको 8 करना है, तो 8 करने के लिए यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4H2 लिख लेंगे, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, हमारा बैलेंस्ड हो चुका है, 3 नंबर ऑफ एटम आयरन का हो गया, 3 नंबर ऑफ एटम आयरन का हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन का 4×2 = 8 है, यहाँ पे भी 4×2 = 8 है। ओके, अब यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर देखिए 4 है, ठीक है, हाइड्रोजन वाटर में तो 1 है, और 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का नंबर 4 है, ये इक्वेशन बैलेंस्ड हो गया। अभी इतना ही नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग इसका स्टेट लिख देंगे, फिजिकल स्टेट लिख देंगे, तो इससे पूरी तरह से ये बैलेंस्ड हो जाएगा, ठीक है। ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है, इसके कारण नंबर पूरा मतलब, कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट की यहाँ पे इसको ही लिख के बैलेंस करके छोड़ देते हैं, स्टेट नहीं लिखते हैं, तो वहां पर नंबर कट जाएगा। तो आयरन है यहाँ पे, ये सॉलिड स्टेट में रहेगा, तो इसके आगे ब्रैकेट बन गया, एस मतलब की सॉलिड, ब्रैकेट में एस लिख देंगे मतलब की सॉलिड, एल लिखेंगे तो लिक्विड, जी लिखेंगे तो गैस, ठीक है।
वाटर का रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड, जो रूम टेम्परेचर पे होता है वो हम लोग लिखते चले जाएंगे। वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होगा, ओके। आयरन ऑक्साइड ये सॉलिड स्टेट में बन के निकलेगा, और हाइड्रोजन है ये गैसियस स्टेट में बन के निकलेगा। तो ये हो गया हमारा फुली बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। इसी को बुक में 7-8 स्टेप में बताया, जिसको मैंने यहाँ पे बहुत इजीली समझा दिया, ठीक है। अब एक और रिएक्शन मैं लिख के दिखाता हूँ और फिर उसको बैलेंस करता हूँ, आप देखिए ये कैसे बैलेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, यहाँ पे अगर हम लोग लेते हैं अल्यूमिनियम Al2O3, अल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं HCl को, ठीक है, अल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग HCl को रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे बनेगा अल्यूमिनियम AlCl3 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ओके। ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे पहले आप चेक करो कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है कि नहीं है। यहाँ पे अल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे अल्यूमिनियम 1 है, बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं, इसको हम लोग को बैलेंस करना है। क्या बताया था मैंने, शुरुआत से ही शुरू करना है, तो अल्यूमिनियम से ही स्टार्ट करेंगे। अल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे कितना, 1 है, ठीक है। तो हम लोग पहले बताया हमें आगे नहीं लगाना, क्योंकि आगे लगा दिए ये तो पूरा मॉलिक्यूल को आप डिस्टर्ब कर दिए, पता नहीं क्या बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमेशा पीछे में लगाना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम अल्यूमिनियम का कितना था, 2 था। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन लिखने के बाद सबसे पहले जो इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो हमको लिखना है, तो अल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्टेंट में और हाइड्रोजन क्लोराइड जो एसिड होता है HCl एसिड जो है वो हम लोग लिख दिए। उसके बाद अल्यूमिनियम क्लोराइड बना और हाइड्रोजन बना। अब बैलेंस पे आएंगे तो अल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 एटम है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ओके, अल्यूमिनियम हमारा बैलेंस। अब आ जाओ क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना है, 3 है। अब सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल का है तो यहाँ पे 3 कर देंगे, हमारा ऑक्सीजन भी बैलेंस, ओके। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन कितना है, 1 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 × 2 = 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है, 6 हाइड्रोजन बैलेंस। अब क्लोरीन की बात करो, क्लोरीन यहाँ पे 6 है और 3 × 2 = 6, ये भी बैलेंस है, ऑटोमेटिक यहाँ पे बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह का रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड हो जाता है। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं एक केमिकल रिएक्शन का, तो जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो मिथेनोइक एसिड बनता है CH3OH, ठीक है, ये चीज बन के आता है, ठीक है, CH3 है ये, ओके ओके, CH3OH बनता है। तो ये हमारा केमिकल, इसमें रिएक्टेंट क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन हो गया रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट हमारा बन के आ गया CH3OH मिथेनोइक एसिड हो गया, ओके। तो यहाँ पे इसको हमें बैलेंस करना है, तो देखो कार्बन का है नंबर ऑफ एटम कितना, 1, यहाँ पे कार्बन ऑफ एटम देखो 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना 3 + 1 = 4 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बैलेंस कर दिए, हो गया, ये सिंपल है। और उसका इसका स्टेट लिख देना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस स्टेट में हो गया, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में हो गया, और मिथेनोइक एसिड जो निकलेगा ये यहाँ पे लिक्विड स्टेट में निकल जाएगा। यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन भी ये भी बैलेंस्ड हो गया। अब एक और बात करते हैं, एक और नए इक्वेशन की लिखते हैं और फिर उस पर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जिंक ऑक्साइड के साथ अगर हम लोग H2SO4 रिएक्ट कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, और उसका फिर हम लोग बैलेंस निकाल के देखते हैं। तो जिंक ऑक्साइड ZnO + H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिंक ऑक्साइड, इसके साथ अगर हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनेगा जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस यहाँ पे H2O, इस तरह का भी इक्वेशन कभी कभी दे देता है, ठीक है। तो इस तरह का इक्वेशन जो होता है वो ट्रैप करने के लिए होता है, इसमें बैलेंस करने का कुछ है ही नहीं। यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे बैलेंस्ड ऑलरेडी है इक्वेशन, ZN यहाँ पे ZN हो गया, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 प्लस ये 4 × 1 = 5 हो गया, यहाँ पे भी देखो 4 × 1 = 5 हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 हो गया, सल्फर 1 है, सल्फर 1 हो गया, ऑक्सीजन तो मैंने बैलेंस कर दिया था। इस तरह के इक्वेशन में यहाँ पे कंफ्यूजन करने के लिए देता है इसको बैलेंस करने, जबकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड होता है। अब यहाँ पे हम लोग रिएक्शन कराएंगे सोडियम कार्बोनेट को HCl से, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसको अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं HCl से, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट निकलेगा सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस यहाँ पे वाटर, ठीक है, यहाँ पे 3 प्रोडक्ट निकलेंगे, ओके। यहाँ पे रिएक्टेंट पे हमारा क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, जिसको HCl के साथ रिएक्ट कराने पे सोडियम क्लोराइड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यहाँ पे निकलेगा, ओके। तो अब हम लोग उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे देखो सोडियम कार्बोनेट है तो Na2 2 सोडियम है, तो यहाँ पे सोडियम कितना है प्रोडक्ट में, 1 ही है, यहाँ पे NaCl में 1 ही है, तो यहाँ पे हम लोग सीधे 2 लिख देंगे, ओके।
अब कार्बन की बात करो तो कार्बन कितना, एक है। प्रोडक्ट में जाओ, प्रोडक्ट में कार्बन एक ही, ओके बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन का नंबर कितना है, तीन है। अब प्रोडक्ट में जाओ, यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीजन का दो और प्लस एक तीन है, ओके बैलेंस्ड है। अब यहाँ पे HCl पे हाइड्रोजन कितना है, सिंगल है वन यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन दो बता रहा है तो यहाँ पे हम लोग दो कर देंगे। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस, दो हाइड्रोजन कर दिए और यहाँ पे दो हो गया, बैलेंस्ड हो गया। अब क्लोरीन की बात करो, दो क्लोरीन हुआ और यहाँ पे भी देखो दो क्लोरीन, ठीक है, यहाँ पे भी बैलेंस्ड हो गया। तो इस तरह का हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। अब इसका हम लोग स्टेट लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे हमारा सॉलिड रहेगा, HCl हमारा लिक्विड फॉर्म में हो गया, और यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ये भी निकलेगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में वाटर में डिजोल्व हो जाएगा, ये भी एक तरह से एक्वस सॉल्यूशन में ही रहेगा, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में निकलेगा, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। एक्वा लिखते हैं, एक्वा मतलब कि हो गया कि डिजोल्व फॉर्म में रहेगा, जैसे सोडियम कार्बोनेट है ये भी वाटर में अगर हम लोग डिजोल्व करके रखते हैं तो यहाँ पे एक्वा रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग सॉलिड में ही डायरेक्ट रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे सॉलिड रखेंगे, तो जैसा रिएक्शन हो रहा है उस हिसाब से यहाँ पे इंटरचेंज हम लोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको बैलेंस करना समझ में आ गया होगा, किसी भी केमिकल इक्वेशन को आप लोग इसी तरह से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन यहाँ पे हमें लिखना है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज अगर रिएक्ट करता है रिएक्टेंट में तो प्रोडक्ट हमारा बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारा वर्ड इक्वेशन दिया हुआ है, तो अब इसको हम लोग पहले इक्वेशन के फॉर्म पे लिखेंगे, फॉर्मूला के फॉर्म पे लिखेंगे। तो हाइड्रोजन हो गया तो H2 हो गया, प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराया Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, इसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट मिला है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl प्रोडक्ट बना, ठीक है। तो इसको हमें बैलेंस करना, तो हाइड्रोजन कितना है, दो है, तरीका बताया था मैंने, दो है। तो सबसे पहले हाइड्रोजन को ही स्टार्ट करो, दो यहाँ पे हुआ, यहाँ पे सिंगल है तो इसको दो कर दिया, ठीक है। अब क्लोरीन को देखो, दो है, यहाँ पे भी ऑलरेडी दो हो चुका, तो हमारा इक्वेशन बन गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन के जो है ये गैसेस फॉर्म पे रहेगा, क्लोरीन भी जो है ये भी गैसेस फॉर्म में, लेकिन हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा वो भी गैसेस, और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा ये भी गैसेस फॉर्म पे रहेगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस्ड हो गया। थैंक यू वेरी मच, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, मिलते हैं अगले वीडियो में।